और आज आ रहे स्विमिंग पूल में नहा रहा है, तो आज छत पर ही ला करके नहा रहा है। रोज तो बाथरूम में नीचे नहाता था पानी भर के, तो आज फर्स्ट टाइम छत पे लाया है, छत पे ला करके भर के नहा रहा है। पूरी तरह से नहीं भरे हो ना हवा, तो इतना ही बड़ा फट गया ना, हवा लीक होता है। फट गया है, टेप लगा हुआ था। अच्छा अच्छा, इसीलिए लीक हो रहा है, इसलिए पूछ। पानी तो पूरा भर गया। पानी तो पूरा भर गया। हाँ कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है। और आज का मौसम भी नहीं, नहीं हम नहीं डालेंगे उंगली, तुम ही नहाओ। देखो ना पानी ठंडा है कि नहीं, खाली ठंडा ही होगा। देखो ना एक बार। और आज का मौसम भी बिल्कुल वैसे ही है, बादल लगा हुआ है, लेकिन हाला हवा नहीं चल रही है हालांकि, लेकिन बादल है लगा हुआ। और रात में भी बहुत ठंडक थी, हम लोग एकदम फैन ऑफ करके सोए थे, और कल पतला वाला ब्लैंकेट ही ओढ़ के सोया था। और आज इसको बस पता नहीं, आज तुम क्यों नहा रहे स्विमिंग पूल में, आज ठंडक भी है, आज ही नहाना था तुमको। जिस दिन धूप रहती उस दिन नहाते, ज़्यादा देर मत नहाना, थोड़ा देर नहा करके उसके बाद निकल जाना। हमको नहीं करो, हमको नहीं डालो, नहीं करो आरिस, भीग जाएंगे। अभी हमको नहाना नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। इतने ठंडे में स्विमिंग पूल में नहा रहा है, तो अभी तो खैर गया ही है, तो कम से कम आधा घंटा नहाएगा, उसके बाद निकलेगा और नीचे आना नीचे। फिलहाल बहुत सारा काम बाकी है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है दोपहर की 1:30, और आज भी बहुत अच्छा मौसम बना हुआ, और पता नहीं इतने अच्छे मतलब मौसम तो अच्छा है, ठंडक है, और इतने ठंड में ये लोग स्विमिंग पूल में नहाया है। बिल्कुल ठंडा ठंडा सा पानी, पता नहीं कैसे ये लोग नहाया है, क्योंकि हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। बारिश, ये लोग नहा रहा था छत पे, तो बस उसी वक्त बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे इतनी ठंडी ठंडी, इस लोग को देख करके हमको ठंडक लग रही थी। लेकिन ये हो सकता है कि डायरेक्ट मोटर चला करके पूल में पानी भरा होगा, तो मतलब थोड़ा गर्म आ रहा होगा, क्योंकि ज्यादा चल जाने के बाद फिर अंदर से पानी, जमीन के अंदर से थोड़ा गरम गरम पानी आ रहा होगा। तो लेकिन फिर भी हम लोग तो बिल्कुल एकदम गीजर ऑन करके उसके बाद नहाया है, क्योंकि उधर गीजर ऑन करने की 2 दिन से जरूरत नहीं हो रही थी नहाते वक्त, लेकिन आज एकदम मतलब नल से जो पानी आ रहा था नीचे में वो टंकी का, तो वो बिल्कुल एकदम ठंडा सा चिल्ड आ रहा था। तो बस, और बस अभी लोगों को इतने देर के बाद बोलते बोलते अब जाकर के ये लोग का 1 घंटा नहाया, उसके बाद अब जाकर के निकला है ठंडे ठंडे पानी में। पता नहीं, बस तबियत सही रहे, डर भी लगता है, लेकिन अब पता नहीं आज क्यों मूड आ गया इसको नहाने का, कि आज पूल में स्विमिंग पूल में नहाते। पहले अतीब बोला वो नहीं नहाएगा, लास्ट में आरिस को देखते देखते उसका भी मूड आ गया, वो भी चला गया पानी में। तो फिर दोनों जब चला गया तो फिर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, जब पापा ज्यादा देर हुए डांटे तब फिर निकला है दोनों। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, एकदम लग रहा है कि थोड़ी सी और ठंडक बढ़ेगी ना, तो लग रहा है फिर से वापस स्वेटर निकल जाएगा। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, और ऐसे ही एकदम बादल लगा हुआ है, और हवा भी चल रही है, और अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रही थी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ हो रही थी, कि जमीन उमीन भींग गया था। हालांकि इधर अभी रुकी है, तो आरिस नीचे गया है खेलने के लिए, और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। लो पकड़ो कॉर्क, लो। अरे अभी ये लोग यहाँ क्या कॉर्क, अब नहीं है, बस यही एक है। हाँ अभी सब दोनों बैडमिंटन खेल रहे हैं यहाँ पे, अतीब और आरिस दोनों। कैसी ठंडक है, लग रहा है ना कि स्वेटर निकल जाएगा। अब एक दो डिग्री और कम हो ना, तो पक्का स्वेटर निकल जाएगा। हमको तो अंदर में इतनी ठंडक लग रही है, पंखा वंखा ऑफ करके, अब लग रहा है कि सही में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। जाइए
इन लोग खेल रहा है, इन लोग को खेल रहा है तो इन लोग के अंदर गर्मी आ गई होगी अभी। और आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि दिल कर रहा है कि कुछ चटपटा सा अच्छा सा खाएं। तो अभी ये लोग खेल रहा था बाहर, तो इन लोगों को भेजा है कि जाओ जाकर के स्प्रिंग रोल लेकर के आओ। और पता नहीं ये लोग खुद के लिए क्या लेकर के आएगा, चाउमिन बर्गर कुछ भी लेकर के आए। वहां पे बहुत कुछ बनाता रहता है शाम के वक्त। तो हम तो खैर हम और पापा अपने लिए बस बोले स्प्रिंग रोल लाने के लिए, और बस अब जाएंगे चाय बनाएंगे। जब तक चाय बनेगी तब तक वो लोग लेकर के आएगा, तो चाय के साथ खाएंगे। तो मौसम अच्छा सा देख करके दिल करने लगा थोड़ा गर्म गर्म थोड़ा पकौड़ा खाने का। तो फिर वहां पर पकौड़ा बोला कि इतना सही नहीं बनाता है, पता नहीं कौन से मतलब कौन से दाल का बनाता है। बोला कि कोई दूसरे ही दाल रहता है। तो फिर बोला पकौड़ा मत लीजिए, अति भी मना किया, वरना वैसे मौसम तो पकौड़ा खाने का हो रहा है। तो बस लेकिन खैर पकौड़ा खाने का तो दिन आ भी रहा है एक दो दिन में, तो सोचा चलो रहने दो, पकौड़ा मतलब स्प्रिंग रोल ले आओ और तुम लोग को जो खाना है वो लेकर के आओ। तो बस अब 10 मिनट में अजान होगी मगरिब की, नमाज पढ़ के उसके बाद फिर चाय बनाएंगे। और आ गया लेकर के, तो ये लाया है स्प्रिंग रोल, और अपने लिए और खुद के और अतीब के लिए दोनों अपने अपने लिए चाउमिन लाया है। तो ये लोग दोनों का चाउमिन है और ये हम लोगों का स्प्रिंग रोल है। तो बस अभी फिलहाल जा रहे हैं चाय बनाने, सबसे पहले जल्दी ही लेकर के आ गया, तो लगा था कि देर होगी वरना अभी लेकर के आ गया, तो उसमें पहले चाय बनाते हैं। फिलहाल 11 बज रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और ज़्यादा ठंडक बढ़ गई है। अभी से ही हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ करके बैठ गए हैं, मतलब आरिस तो खैर सो गया है ब्लैंकेट ही ओढ़ करके, हम बस बैठे हुए दोनों हाथ ऐसे अंदर करके और मोबाइल को बस यहाँ पे रख करके देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंडक हो गई है। और सारा स्वेटर वेटर भी अंदर रख दिया है, बस आरिस का एक आँख फुल टी शर्ट बस रख लिया था हम ऊपर कि इनकेस ठंडक हो गई तो, और वर लग रहा था कि बेकार ही रखा है क्योंकि उधर इतनी गर्मी हो गई थी, तो लग रहा था बेकार ही रखा वो भी रख देते, वरना सारा कुछ रख दिया है। और घर के अंदर इतनी ज़्यादा है, बाहर तो खैर बहुत हो रही है आरिस के, यार निकला था थोड़ा सा बाहर, बोला बाहर इतनी ठंडक हो रही है कि लग रहा है कि फिर से फरवरी वाला मौसम आ गया है। और बस पता नहीं आज तो एकदम फैन भी ऑफ ही है, एक बार भी फैन भी नहीं चला है और बस ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे हुए हैं और बहुत जोर की नींद आ रही है। तो कल ही मिलेंगे, लेकिन इसी व्लॉग में मिलेंगे, अभी फिलहाल इस व्लॉग को एड नहीं कर रहे हैं, कल इसी व्लॉग में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक सेहर रश्मि व्लॉग। सुबह हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई, नए दिन के साथ फिर से व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 10 का, नाश्ता वगैरह कर लिया और जी कल तक ठंड जितनी थी आज उससे ज़्यादा बढ़ गई है। और कल तक स्वेटर वेटर नहीं निकला था, लेकिन आज पापा का इसका इन लोगों का सबका गर्म कपड़ा निकल चुका है, फिर से वापस स्वेटर निकल चुका है। और कल तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन आज तो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। बाहर निकल रहे हैं तो लग रहा है कि स्वेटर पहले, अभी तक हम काम कर रहे थे किचन में इसलिए उतनी ज़्यादा ठंडक नहीं लग रही थी तो हम नहीं पहना, लेकिन अब जब रूम में आकर के बैठे हैं नाश्ता करके तो सच में हमको भी ठंड लग रही है। लग रहा है कि अब हम भी अपना अब लास्ट निकाल करके पहन ही ले, वैसे अपना सारा कुछ अंदर रख दिया था। एक आँख मेरा भी हुडर हो सकता है कि बाहर हो, देखना पड़ेगा, या पता नहीं वो भी रख दिया है। और पता नहीं कैसे इतना चेंज हो जाएगा मौसम, उम्मीद नहीं थी, मतलब लग रहा था कि ठीक है बारिश होगी तो हल्की फुल्की सी ठंडक बढ़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि फिर से वापस गर्म कपड़ा निकल जाएगा। पहले एक आँख दो बार बहुत पहले ऐसा हुआ है, पापा लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हम लोग देखा था कि सब कुछ रख दिया है और लास्ट मार्च में अब फिर से स्वेटर वेटर वापस आ गया है। खैर और बस फिलहाल तो अभी नाश्ता करके बस अभी जस्ट फ्री हुए बैठा है। क्या बात है, सुबह सुबह अपना गर्म टी शर्ट निकाल लियो, कितनी ठंड लग रही, फिर से ठंड वापस आ गई। अच्छा या खराब है, क्या ज्यादा अच्छा लगता है, ठंड या गर्मी? ठंडक ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा है, तुमको तो आराम रहेगा, वरना स्कूल जाते तो ठंड हो जाती, अब वो गर्मी रहती तो गर्मी लगती जाने में, अब आराम से जाओगे स्कूल। गर्म टी शर्ट निकल गया, कर क्या रहो, आराम खूब आराम कर लियो, स्कूल खुलने वाला है। और आज मंगाया है खाने में वेज थाली, तो बड़ा दिल कर रहा था वेज थाली खाने का, तो इसमें चावल दिया है, मिक्स वेज है, पनीर के कुछ आइटम है और एक मिठाई है, पापड़, रायता, सलाद, और इसमें ये दाल लग रहा है, दाल तड़का है, और रोटी भी दिया है।
पता नहीं कौन सी है रोटी है, तंदूरी रोटी है, अच्छा सिंपल चपाती है लेकिन घी लगी हुई दिया है। अच्छा तंदूरी नहीं दिया, चपाती ही दिया है। तो आज दिल किया कि चलो थाली मंगाते हैं। तो ये होता है ना, थाली में बहुत सारी चीज़ आ जाती है, थोड़ी थोड़ी सी, वैसे भी ज़्यादा तो खाते नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा आ जाता है, तो तरह तरह का तीन चार चीज़ हो जाता है, तो फिर इसलिए थाली मंगा लिया। और बस अभी जा रहे हैं रमज़ान की थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी की। कुछ खजूर उजूर तो बिग बास्केट से उस दिन मंगा लिया था, लेकिन कुछ चीज़ है जो रह गया था, तो बस आज जा रहे हैं। और धूप भी बाहर निकल गई है, मौसम ठीक हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, तो आज जा रहे हैं। क्योंकि कल आरिस का पीटीएम है, तो कल फिर वो उसमें चले जाएंगे, तो कल उसमें थोड़ी बिजी हो जाएंगे, और अगर कल चांद निकल गया तो फिर परसों से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। तो बस अभी फ़िलहाल पापा वही खाना खा करके चले गए हैं सोने, तो बस जाते हैं जल्दी से। अभी पास वाले ही मॉल में जा रहे हैं, क्योंकि अब उतने दूर जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि नीचे भी कोई नहीं है, तो फिर वहाँ अगर दूर गए तो 9 to 9, अगर उधर गए तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी, आने जाने ही में 1 घंटा लग जाएगा। तो पास वाले से जाते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है, कितना सामान मिलता है, कितना नहीं मिलता है। और आ गए हम लोग मॉल, लिस्ट निकालो, लिस्ट काफ़ी लंबा चौड़ा लेके आए हैं, पता नहीं यहाँ क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले रोबज़ा दिख गया, तो रोबज़ा रख लिया। खैर हमको आरिस को बहुत पसंद है, हमको तो अच्छा नहीं लगता है। और लिस्ट निकाल के देखते हैं क्या क्या चीज़ लेना है। ये रखो ना, मैदा रख लिया ना, बेसन ले लो, 1 2 ये लो और लो ना, 3 4 ले लो, और कुछ ये पैकेट ले लेते हैं इमरजेंसी के लिए, रमज़ान के लिए, कि कभी कभी रहना चाहिए फ्रिज में कुछ 1 2 चीज़ इमरजेंसी के लिए, कि दिल ना से। पोटैटो बाइट्स तो एक है मेरे पास फ्रिज में, एक और ले लेते हैं, एक और ले लो। 25 क्रीम देखो, अमूल, वो है अमूल क्रीम, इधर तो नहीं है, चीज़ स्लाइस है, चलो चीज़ स्लाइस ले लेते हैं। और हो गया, ले लिया सामान। क्या वही है कि कुछ सामान मिलता है कुछ नहीं मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ मिली है कुछ नहीं मिली, लेकिन अब जो नहीं मिला है वो बिग बास्केट से आएगा इमरजेंसी के लिए। काफ़ी चीज़ हो गई है, क्या लेना, ले लो। कौन सी लोगे आइसक्रीम? ये कॉर्नेटो, ये चॉकलेट वाला कॉर्नेटो, डार्क चॉकलेट कॉर्नेटो, डार्क चॉकलेट। रमज़ान के लिए तरह तरह का शरबत आया हुआ है, तो ये बादामी बादाम इसका शरबत मिल रहा है। और ये कैसा तुम्हारा आइसक्रीम है, ओरियो का आइसक्रीम है ना, खा के देखो, देखने में तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ से भी काम कर लिया, अब कुछ सब्ज़ी लेनी है, इसके बाद कुछ फ्रूट्स वगैरह वो सब लेना है, तो अभी बस वहीं जा रहा है, काफ़ी ट्रैफिक हो रही है यहाँ पे। और यहाँ से कुछ सब्ज़ी सब्ज़ी ले रहे हैं, तो खीरा मूली है ही नहीं है, पुदीना नहीं है, पुदीना भी नहीं है। चलिए धनिया का पत्ता तो खैर हम मंगवा चुके हैं, थोड़ा सा दे दीजिए धनिया का पत्ता भी। और अब आ गए हैं फ्रूट्स सब लेने के लिए, तो अब यहाँ से फ्रूट्स सब ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा अंगूर मिल रहा है, ऑरेंज है, सेब है, अनार है, केला भी है, अमरूद नहीं मिल रहा है ना, अमरूद नहीं है, अमरूद नहीं मिल रहा है। चलो क्या क्या लेना है, और रास्ते से मीट भी मिल रहा था तो वो भी लेते आए थे, बोनलेस वाला मीट, और उसके बाद उसको मिंस कर लिया अच्छे से। और अब जा रहे हैं, प्याज काट लिया तो ब्रियान करके, और अदरक लहसुन का पेस्ट का पौच ही मंगा लिया, ले लिया था बल्कि आ रहे थे तो वहीं से ले लिया था पौच, तो बस अब इसका खीमा बना करके, और उसके बाद मतलब ग्रेवी में उसको मसाले में डाल डाल के पका करके उसके फ्रीज करके रख देंगे। ट्राईपॉड पे लगा दिया है, इतने देर से हाथ से मैं लेकर के शूट कर रहे थे, काफ़ी दिक्कत हो रहा था, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ से बना रहे थे, और इतने टाइम लग रहा है ब्रियान होने में, ज़्यादा प्याज था ना तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर लग रहा है, 1/2 घंटे से ब्रियान कर रहे हैं और अभी भी इतना हुआ है, अभी भी बाकी है इतना सारा, अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम लग रहा है, ज़्यादा प्याज है इस वजह से, तो बस पहले ब्रियान। डाल दिया, उसको अच्छी तरह से भून लेते हैं,
और अभी तो इसमें काफी पानी छोड़ेगा कीमा और धीरे धीरे उसे पानी में फिर गल जाएगा और इससे पानी सारा सूख जाएगा तो फिर निकाल लेंगे। और हो गया बिल्कुल अच्छे से पानी सूख गया, बस इसको थोड़ा सा और अच्छे से भून लेंगे और बस कीमा बन के तैयार हो गया। इसको फिर फ्रीजर में रख देंगे और जैसे जैसे ज़रूरत होती जाएगी वैसे वैसे निकालते जाएंगे। और अभी फ़िलहाल 9:30 हो रहा है और बस इस व्लॉग को एंड करेंगे। और आज आरिज गया था मार्केट तो ये वाला यो-यो खरीद करके लाया है। यो-यो क्या यो-यो है क्या चीज़ यो-यो नहीं पता क्या ऐसे ऊपर नीचे होते हैं करके दिखाओ एक बार जल्दी से व्लॉग एंड कर रहे हैं। अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है तो यही खरीद करके लाया है और बस अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया। डीएनए का साइन होता है ना ऐसे इसमें लोग जो एक्सपर्ट से होता है पूरा हाथ को घुमा के डीएनए का साइन बनाता है। अच्छा जो एक्सपर्ट होता है वो। अच्छा ठीक है बस इस व्लॉग को अब एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ गुड बाय।